भोपाल जिले में गरीबों के लिए मंगलवार को अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों से पात्रताधारी परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण हुआ। शहर के 7 नंबर स्थित आर्यव्रत प्राथमिक उपभोक्ता भंडार शिवाजी नगर में राशन दुकान पर अन्न महोत्सव कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह सम्मिलित हुए। अन्न उत्सव के कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रदेश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निश्चित किया है कि हर महीने की 7 तारीख को गरीबों को अनाज दिया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 1,60,000 थैलों का वितरण हो चुका है। वहीं कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख थैले वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये अन्न उत्सव का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को पूरे प्रदेश में इसी तरह से कार्यक्रम होंगे और लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही हम लोगों ने, सरकार ने थैलों की व्यवस्था भी की है, थैला भी साथ में दे रहे हैं, जिससे गरीब को अनाज लाने ले जाने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये थैले भी दिए जा रहे हैं। भोपाल में अभी तक 1,60,000 थैले बढ़ चुके हैं और 1.5 लाख थैले आज बांटने की योजना है। इस तरह से लगभग सभी पात्र हितग्राहियों को ये थैले उपलब्ध हो जाएंगे और प्रत्येक माह की 7 तारीख को इसी तरह से ये अन्नपूर्णा उत्सव का कार्यक्रम होगा और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, अधिकारी सभी लोग उपस्थित रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर गरीब को राशन मिले। ये सरकार का हमारा संकल्प है और उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम। मालूम हो कि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कल ही जिले के सभी राजस्व एवं खाद विभाग के अमले को निर्देशित किया था कि उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्था अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ले, जिससे गरीबों को उनके हक का मिलने वाला खाद अन्न लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना आने पाए। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।